ब्लॉग। तो भाई आज है हम लोग का एक फूड ब्लॉग। आप लोगों ने जा जाके थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा। तो आज मैंने और मेरी दीदी ने मिलकर बनाया है होममेड समोसे। और जैसे कि आप लोगों ने शॉर्ट और तो देख ही लिया होगा पहले थोड़ा बहुत, और अब हम लोग दिखाते हैं आप लोग को समोसे। और आप लोग इस वीडियो के लिए लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं अपने होममेड समोसे। हम लोग के होममेड समोसे और यहाँ पे देख सकते हैं भाई कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने ये प्लेट में निकाल के रखे हैं वरना और भी हैं, तो यही आप लोग को दिखाता हूँ। और यहाँ पे हम लोग की ये रेड वाली सॉस मतलब कि ये चटनी है, तो बहुत ही अच्छी लगती है। और अभी मैंने टेस्ट नहीं किया, ये देख सकते हैं दीदी मेरी टेस्ट भी कर रही है। पहले से वीडियो मैंने बनाने के लिए रखा हुआ है और एक भी चक्कर मैंने टेस्ट नहीं किया, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो भाई यहाँ पे है मेरे पास में समोसे मेरे, और इसका आप लोग शेप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा आया है और बहुत ही ये हट्टा कट्टा सा समोसा है, हेल्दी सा है। और अब मैं इसे टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है टेस्ट। और मेरे मुंह में पानी आ रहा है अभी से ही, और एक बार भी मैंने टेस्ट नहीं किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में ही। तो मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ कैसा लगता है। भाई A1 है इसका, A1 स्वाद है, बहुत ही टेस्टी है ये। और मैं इसे आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकता कैसा है इसका टेस्ट, और अगर कि मैं कर सकता तो ज़रूर आप लोग को बताता कैसा है। और आप लोग इसके लिए एक लाइक दे दीजिएगा, और आप लोग बताइएगा कि आप लोग बनाते हैं या फिर नहीं करते समोसे। तो अब मैं इसे फटाफट से फिनिश करता हूँ, फिर उसके बाद में आप लोग को और थोड़ा आगे दिखाता हूँ या फिर नहीं दिखाता हूँ। तो हम लोग चलिए चलते हैं आगे। गाइस इसका आलू बहुत ही टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और इसकी ये जो चटनी है वो तो भाई एक नंबर की लग रही है, बहुत टेस्टी लग रही है। और इसका आलू, इसकी फीलिंग तो क्या ही बताऊँ आप लोग को, बहुत ही टेस्टी लग रही है, मसालेदार है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और अब मैं इसे फटाफट से खाता हूँ और आप लोग मुझे खाते हुए देखें। इसका आलू जो इसकी फीलिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी। आप लोग को मेरी आइस के नीचे वाला दिख रहा होगा पसीना, तो वो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी और टेस्टी भी थी। और इसमें बीच बीच में पीनट्स भी पड़े हुए थे, मूंगफली के दाने भी पड़े हुए थे, तो वो भी बहुत ही गजब के लग रहे थे। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगते हैं समोसे, और स्पाइसी लगते हैं या फिर कम स्पाइसी अच्छे लगते हैं। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।